जय गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज, आप सेवा देने का। आज हम दिव्या आभा की पेजेस 24-33 करेंगे। तो आइए हम लोग दिव्या आभा का पाठन करते हैं। पेज 24, श्रद्धा सुमन। जय गुरु जी। संगत जी, जस्ट 2 मिनट आप जैसे कि अभी आपको मैंने बताया कि हम पेजेस 24 ऑनवर्ड्स आज शुरुआत करेंगे। हमने लास्ट ट्यूसडे को अभी इंट्रोडक्शन दिया था। श्रद्धा सुमन। कांच के एक ऐसे गगनचुंबी पर्वत की कल्पना कीजिए जो दर्पण समान है। उसमें कोई दाग धब्बा या अन्य कोई निशान नहीं है। वह एकदम साफ स्वच्छ है और उसमें अद्वितीय प्रकाश का ओज है। अब इसके सामने आपको खड़ा कर दिया जाए। आप अपनी सांस रोककर उस दर्पण को देख रहे हैं। यह आपकी गुरुजी के प्रथम दर्शन होंगे। गुरुजी से आपकी भेंट तभी संभव है जब वे चाहेंगे और उन कुछ क्षणों में ही वे आपके अस्तित्व को पूर्ण रूप से भेद देंगे। आपके मिथ्या से भरे हुए अभिमान पूर्ण रूप से छिन्न भिन्न हो जाएंगे। वे आपके भीतर आपकी आत्मा का अवलोकन कर लेंगे। यह सब होने के उपरांत जब आप अपने स्वयं को उनके एकाकर में कल्पित करेंगे, तब आपको अपनी वास्तविकता का पूर्णाभास होगा और आप उनके भक्त बन जाएंगे। यह कभी मत सोचिए कि अब आपकी उनसे भेंट नहीं होगी। भले ही उनका स्थूल शरीर समाप्त हो चुका है, किंतु यह अकल्पनीय है कि वे लुप्त हो चुके हैं और उनका अस्तित्व मिट चुका है। अभी तो उनके दर्शन अनेक बार होंगे, कई बार उनसे पुनर्मिलन के अवसर आएंगे। गुरुजी अपने प्रिय शिष्यों को कहे गए वचन सदा निभाते रहेंगे। प्रेम के वह वचन जिनके साथ गुरुजी और उनके भक्त प्रलय तक एक साथ बंधे हुए हैं। परंतु इसका पूरा लाभ अर्जित करने को के लिए हमें अपने स्व को समझना आवश्यक है। गुरु शब्द के 2 अक्षर गु अंधकार का पर्याय है और रू प्रकाश का। अतः अंधकार से ज्ञान रूपी प्रकाश की ओर ले जाने वाला गुरु कहलाया। हमारे देश की प्रथाओं के अनुसार गुरु को देव से भी उच्च वर्ग प्राप्त है। अध्यात्म की चरम सीमा पर प्राप्त होने वाले सच्चिदानंद को गुरु कृपा के बिना पाना असंभव है। गुरु के बिना आत्मा उस परम में लीन होकर परमात्मा का अंश कभी नहीं बन सकती है। गुरु तो ऐसा पथ प्रदर्शक है जिसके बिना नए और अनुभवी दोनों प्रकार के पर्वतारोही अपने शिखर तक पहुंचने की कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। गुरु ना तो वे मार्ग है ना ही वे बाधा है जिसे पार करना शिष्य के लिए आवश्यक है। वह तो स्वयं वे गंतव्य है, पर्वत का वह शिखर है जहां तक पहुंचने की आकांक्षा प्रत्येक प्राणी करता है। वह तो घने अंधकार से ज्योति, अज्ञान से ज्ञान का मार्गदर्शन कराने वाले, उत्तर दिशा का आभास कराने वाले ध्रुव तारे के सदृश हैं। इस संसार के समस्त ग्रंथ गुरु की व्याख्या और उनका वर्णन करने में समक्ष नहीं है। गुरु उस परम आनंद प्राप्ति का प्रशस्त मार्ग है। सदगुरु अर्थार्थ हमारे आदरणीय गुरुजी वास्तव में वे दर्पण हैं जिसमें देखकर हम सर्वोच्च ज्ञान अर्जित कर सकते हैं।
गुरु जी के सामने आपको उनसे विसर्जित होती अपूर्व तेजोमय आभा का साक्षात्कार होता है। आपको अनुभव होगा कि चाह कर भी आप उनकी ओर अपनी दृष्टि बांध कर नहीं रख सकते हैं। उनकी काया ज्योति का प्रकाश अद्वितीय है और आप उनके सामने शीन पड़ जाएंगे। इसके विपरीत गुरु जी मात्र एक क्षण में आपके भीतर छिपी हुई पवित्रता के दर्शन कर लेंगे। जैसे किसी झील में कंकड़ फेंकने पर उसके जल की सतह को छूते ही उस केंद्र बिंदु से किनारे की ओर बढ़ते हुए संकेंद्रित चक्र बनते हैं और वहां से ऊर्जा सब ओर फैलती है, उसी प्रकार गुरु जी से शक्ति विसर्जन होता है। किंतु यह शक्ति उन्हीं भक्तों को मिल पाती है जिन्हें वे इसका अधिकारी समझते हैं। उनका कहा हुआ प्रत्येक शब्द आपके लिए ऐसा संदेश है जिसकी अवहेलना आप कदापि नहीं कर सकते हैं। गुरु जी के प्रथम दर्शन मिलन की कोई सामान्य सामाजिक प्रक्रिया नहीं है। यह साक्षात्कार उस संघर्ष की भांति है जिसमें आपकी हार सुनिश्चित है। आप अपने अहम को अपने सामने ही नम्रता और श्रद्धा की अग्नि में भस्म होते देखेंगे। यह तो समस्त सृष्टि के कर्ता सर्वोच्च सर्वोपरि से मिलने की प्रस्तुति में पहला पग है। सद्गुरु आपके सब रक्षा कवचों को भेद देंगे और पल भर में आपके सब अदृश्य रहस्य को जान लेंगे। उनका विश्वास प्राप्त करने के लिए ना ही मीठे वचनों की, ना ही किसी अभिनय की आवश्यकता है, ना ही आप उनसे कुछ छिपा सकते हैं, ना ही कोई मिथ्या भाव रख सकते हैं। वह तो आपके अस्तित्व के कारण के ज्ञाता है और इस समय आपको अपनी कृपा का अधिकारी समझा है, इसी कारण उन्होंने आपको अपने पास बुलाया है। उन्हें साधारण के लिए अक्सर महत्वपूर्ण लगने वाले प्रश्न, उदाहरण के लिए आप कौन हैं, कहां से आए हैं, आप क्या काम करते हैं, कैसे जीविका उपार्जन करते हैं, आपके मन में क्या भाव है, या आप मानवीयता का कितना नाटक करते हैं, से कोई तात्पर्य नहीं है, क्योंकि इन सब का ज्ञान उन्हें पहले से ही है। वह तो सर्व ज्ञाता है और आपके प्रत्येक भाव का ज्ञान रखते हैं। इस सत्य को स्वीकार कर लेना ही आपके लिए हितकर होगा। आपकी ये हामी ही आपके अग्रिम संबंधों को स्थिर करने के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। इस हां के साथ ही आप गुरु जी के साथ ऐसे अटूट बंधन में बंध जाएंगे जिसे मृत्यु भी अलग नहीं कर सकती है। यह प्रथम समर्पण ही सर्वाधिक महत्व रखता है। यात्री की शेष यात्रा तो पहला कदम निकलने के पश्चात पग प्रति पग स्वतः ही पूर्ण हुई हो जाती है। स्कंद पुराण में वर्णित गुरु गीता में एक अत्यंत सर्वविदित श्लोक है, गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर् देवो महेश्वरा गुरुर् साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। यद्यपि इस श्लोक से अधिकांश जन समूह परिचित है, इसमें कुछ व्याख्या करने योग्य है। सर्वप्रथम इसमें गुरु को त्रिमूर्ति ब्रह्मा विष्णु और महेश से भी उच्च स्थान पर आसीन किया है, क्योंकि वे गुरु तो अनादि और अंतहीन है। ब्रह्मा शब्द की उत्पत्ति ब्री धातु से हुई है जिसका अर्थ विस्तृत विकसित होना बढ़ना फैलना होता है। ये ब्रह्म ब्रह्मा या ब्राह्मण ना होकर वृहित ब्राह्मण है और ये सदा बढ़ता फैलता रहता है, उसका विकास कभी बंद नहीं होता। और गुरु उनकी महिमा तो अपार अपरंपार है, इसलिए यहां पर उनको ब्रह्म सदृश श्रेष्ठ स्थान दिया है। उनके सहस्र चक्षु सहस्र अंग और सहस्र मुख हैं। वह ही जीवन का बीज पौधा और वृक्ष पालक हैं। उनमें असीम ज्ञान है, किंतु उनका ज्ञान किसी को नहीं है। ज्ञानी भी उनके स्वभाव से अनिभित है, अनिभिज्ञ है। गुरुजी तो भक्त को दर्पण के समक्ष प्रतिबिंब बनकर दर्शन देकर उसको ज्ञान की प्राप्ति करा देते हैं।
फिर दृश्य ही दर्शन है, शेष तो वहां तक पहुंचने के निमित्त मात्र बन जाते हैं। उनके कोमल चरणों का स्पर्श करने से के क्षण से ही गुरुजी अपने वास्तविक रूप का दर्शन करा देते हैं। पुष्पांजलि श्रद्धा भाव से। शिष्य को गुरु की ओर ले जाने वाली कड़ियां बहुत अनोखी होती हैं। शिष्य सदा यहां वहां हाथ पैर मारता रहता है, उसे कोई मार्ग नहीं सूझता है, वह स्वयं आगे बढ़ने में असमर्थ है, किंतु गुरु भौतिक रूप में उसके समक्ष ना होकर भी उसका मार्गदर्शन करते रहते हैं। गुरु इस प्रकार उसके पथ प्रदर्शक और गंतव्य दोनों ही हैं। ये कठिन पर्वतारोहण के समान है और गुरु पर विश्वास बनाए रखकर ही हम शिखर तक पहुंचने का सामर्थ्य प्राप्त कर सकते हैं। इस संबंध में सबसे अधिक आवश्यकता विश्वास और श्रद्धा की है। यदि आप गुरु पर शंका करेंगे तो आप अपने पैर पर स्वयं कुल्हाड़ी मार लेंगे। आपकी यात्रा तो प्रारंभ होने से पूर्व ही समाप्त हो जाएगी। भले ही शिष्य को अपने गुरु के लिए अपने मन में स्थिर विश्वास स्थापित करने में कठिनाई हो, गुरु इस कार्य में भी उसकी सहायता करते हैं। गुरु को केंद्र बिंदु मानकर अनुयायी के लिए आवश्यक है कि वे अपनी समस्त शंकाएं मन से निकाल दें। गौमत बुद्ध ने भी कहा था, जिस प्रकार स्वर्ण को परखने के लिए उसे अग्नि में जलाया काटा और रगड़ा जाता है, उसी प्रकार मुझे स्वीकार करने से पहले मुझे अच्छी तरह से परख लो। मेरे लिए अपने मन में केवल आदर भाव रखकर मुझे स्वीकार करने की भूल ना करो। प्रारंभ में अपने गुरु स्वामी रामकृष्ण परमहंस के लिए भी युवा नरेंद्र स्वामी विवेकानंद के मन में ऐसा ही संशय का भाव था। उनके गुरु ने एक बार उन्हें बताया था कि धन के लिए उनके मन में कभी कोई भाव उत्पन्न नहीं होता है, अपितु वेदना होती है। एक रात उस युवा ने उनके सिरहाने के नीचे एक सिक्का छिपा दिया। उस पूरी रात उनके गुरु को नींद नहीं आई। विवेकानंद की इस छोटी सी परीक्षा ने उनके गुरु की सत्यता सिद्ध कर दी। संशय की समाप्ति पर शिष्य अपने गुरु के पास आदर भाव से जा सकता है। अपने आध्यात्मिक प्रशिक्षक के साथ उसके संबंध और प्रागाण हो जाते हैं। वह न केवल जीवन भर मरणोपरांत भी गुरु के साथ निर्वाह करता है। ऐसे विश्वास और श्रद्धा की नींव पर ही भगवान भवन बन सकता है। अनुयायी को यह भी समझना आवश्यक है कि वह गुरु का ही आत्मिक प्रतिबिंब है। यह भी ध्यान रखने योग्य है कि गुरु अवसर आने पर अपने भक्त को अवश्य परखते हैं। एक किंवदंती है, सिंह परिवार का एक शावक अपने परिवार से अलग हो गया और भेड़ों के साथ रहने लगा। धीरे धीरे उसका स्वभाव भी भेड़ों की भांति हो गया। विदहार लगाना भूलकर उनकी भांति मिमियाने का प्रयास करने लगा। एक दिन अचानक एक शेर यह देखकर चकित रह गया। उसने शावक को पकड़कर झिझोड़ा और दहाड़ कर बोला, तुम्हें क्या हुआ है? तुम भेड़ों की तरह व्यवहार क्यों कर रहे हो? उस शावक ने घबराते हुए उत्तर दिया कि उस शेर से अवश्य कोई भूल हुई है और वह तो वास्तव में एक भेड़ ही है। इस पर वह शेर उसे खींचकर एक झील के पास ले गया और वहां उसने उसे उसका और अपनी प्रतिबिंब दिखाया। तब जाकर उस शावक ने अपना वास्तविक रूप पहचाना। गुरु का कार्य भी कुछ इसी प्रकार का होकर सरल नहीं होता। वह तो उन कृत्रिम स्तंभों को भी उखाड़ कर फेंक देते हैं जिन्हें उनके अनुयायी ने अपने सांसारिक जीवन का आधार बनाया हुआ है और उसे उसके यथार्थ से परिचय कराते हैं। हम हाड़ मांस के जीव जंतु नहीं है, हम तो उस परमात्मा का ही प्रतिबिंब है। आत्मा का परमात्मा में विलय ही हर आत्मा का अंतिम ध्येय है और हम इस लौकिक विश्व की मोह माया के जाल में फंसकर उस लक्ष्य को भूल गए हैं। हमें अपनी इंद्रियों के वश में होकर चलने वाले पशु समान नहीं बनना है। प्रत्येक जन की भांति इस जन्म में भी
हमारी आत्मा ने शरीर को धारण किया हुआ है, ना कि शरीर ने आत्मा को आवरण पहनाया हुआ है। गुरु के कमल चरण स्पर्श कर उनकी पावन शरण में जाकर ही मूल परिवर्तन संभव है। मन में स्वाभिमान की समाप्ति होने पर ही वास्तविक ज्ञान का बोध होता है। गुरु तो असीमित अपार विद्या का ऐसा भंडार है जो अपने अनगिनत भक्तों में आध्यात्मिक ज्योति प्रज्वलित करने की क्षमता रखते हैं। उनके प्रेम स्पर्श मात्र से ही चित जागृत हो उठता है, किंतु इस अवस्था तक पहुंचने के लिए पहले अनेक प्रबंध करने आवश्यक हैं। हम इस ओर अनेक पूर्व जन्मों के मनोवैज्ञानिक और कार्मिक बंधनों से जकड़े हुए हैं। मन पर कर्म का प्रभाव अत्यंत गहरा होता है। इनसे निकलने के लिए मन और शरीर दोनों को सुदृढ़ कर सही प्रकार से तैयार करना पड़ता है। जिस प्रकार भंवर में फंसकर तैराक डूब सकता है, वही स्थिति मनुष्य की होती है। यदि वे इसके लिए तैयार नहीं है तो वे यात्रा प्रारंभ करते ही औंधे मुंह बल खाकर गिर जाएगा। अतः गुरु अनेक बार ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न करते हैं जो शिष्य को जीवन के अमूल्य पाठ पढ़ाती हैं। इस प्रकार अनुकूल प्रवृत्ति प्राप्त कर ही भक्त अपने गुरु के स्नेहाशीष सहित अक्सर अग्रसर होता है। जीवन में कोई भी बाधा आने पर गुरु की दया पूर्ण रूप से विदित होती है। अनेक अवसरों पर शिष्य के आत्मिक विकास की बाधा को दूर करने के लिए गुरु उसके कर्मों को अपने ऊपर अंतरित कर लेते हैं और इस प्रकार उसके वे कर्म फल नष्ट कर देते हैं। गुरु का अपने भक्तों के लिए व्यवहार तो इस प्रकार का है जैसे किसी विशाल बाधा को पार करने के लिए अभिभावक अपने छोटे बालक को अपने कंधों पर बैठा लेते हैं। ऐसे महान गुरु का हम किन शब्दों में धन्यवाद कर सकते हैं। हम तो अति साधारण मानव हैं जो उनकी दया कृपा और स्नेहशीश के बदले में केवल थोड़ी सी श्रद्धा सहित आदर भाव अर्पण कर सकते हैं और उनके आदेशों का पालन करने का प्रयास कर सकते हैं। तो भी कई अवसरों पर ऐसी परिस्थितियां आ जाती हैं जब हम अपने गुरु से अप्रसन्न हो जाते हैं, परंतु गुरु तो गुरु है और हम असाधारण नश्वर, उनके लिए हमारी उन्नति ही सर्वाधिक महत्वपूर्ण है और इस कारण वे अपने शिष्यों की मानसिक परिस्थिति को अनुकूल करने में कोई चूक नहीं करते। भले ही शिष्य उनके इस कठोर व्यवहार से अपनी कृत्रिम शक्तियों का ह्रास होते देखकर शिथिल पड़ जाएं, गुरु तो उसका भला चाह रहे होते हैं। उन्हें इन सांसारिक बातों से कोई अंतर नहीं पड़ता कि उनके द्वारा अपना अभिमान नष्ट होते जाने पर उनका शिष्य कितना विचलित हो रहा है। वे उसे सुमार्ग पर आगे बढ़ाने की अपनी चेष्टा बनाए रखते हैं। ऐसे जटिल क्षणों में अपनी प्रवृत्ति परिवर्तन होते हुए जानकर कई अवसरों पर भक्त क्षीण पड़ जाता है या मानसिक संतुलन खो बैठता है, किंतु उसके लिए इतना आभास पर्याप्त है कि गुरु उसके लिए कितना अधिक प्रयास कर रहे हैं। गुरु की एकमात्र रुचि स्वार्थ से बंधे हुए अन्य संबंधों के विपरीत भक्त की प्रगति में होती है। उनका भी एक स्वार्थ है उसको परमात्मा की ओर ले जाने का। इसके लिए उन्हें कितने भी कठिन से कठिन कार्य करने हो, भक्त के कर्मों को समाप्त करना हो, उसे स्वास्थ्य लाभ देना हो या उसका कोई अन्य कार्य फलीभूत करना हो, ये सब तो गुरु के व्यक्तिगत विश्लेषण पर निर्भर है। मुख्य प्रक्रिया तो उस सच्चिदानंद प्राप्ति की है जिसके लिए अन्य सब कारण बन जाते हैं। गुरु अपने अनुयायियों को इस यात्रा के लिए सुदृढ़ करने में अत्यधिक शक्ति एवं समय का व्यय करते हैं। परम प्राप्ति की यह यात्रा कोई सरल कार्य नहीं है, ना ही आत्मिक ज्ञान का बोध जीवन दर्शन का कोई सरल पाठ है, ना ही यह कोई श्रृंगार है जिसे धारण कर आपका व्यक्तित्व इस समाज में और आकर्षक हो जाएगा, ना ही यह एक ऐसे धार्मिक संस्कार है जिन्हें पूरा कर हम संतोष कर लें और ईश्वर प्राप्ति का मार्ग प्रशस्त हो जाएगा। यह ऐसी कोई यात्रा भी नहीं है जिस पर थोड़ी ही दूर चलकर आप रुक जाएं और कह सकें कि आपने अपने जीवन का गंतव्य प्राप्त कर लिया है।
एक बार गुरु का गुरुत्व स्वीकार कर लेने के पश्चात आपको उसी मार्ग पर वहां तक चलते रहना होगा जहां तक वे आपको ले जाएं। उस परम ज्ञान की प्राप्ति के लिए गुरु ही एकमात्र साधन है। वह तो दिव्यत्व की सीढ़ियों पर चढ़ाने वाले पथ प्रदर्शक हैं। वह ही आत्मज्ञान का बोध कराते हैं। उनके पास प्रत्येक बाधा से निकलने की योजना है। भले ही भीड़ से बचकर निकलना हो या आपसी संबंध किस प्रकार के हो, यह बात गौण है कि वे आपसे हंसकर बात कर रहे हैं या गंभीरता से कोई महत्वपूर्ण विवरण सुन रहे हो। हर क्षण आदि से अंत तक वे गुरु गुरु ही रहेंगे। उन्हें संतुष्ट कर प्रसन्न कर ही भक्त अपने गंतव्य तक पहुंचने में सफल हो सकता है। आप कदापि गुरु का अनुकरण करने का प्रयास ना करें। आदि शंकराचार्य से संबंधित एक रुचिकर घटना है। उनका एक शिष्य सदा उनके प्रत्येक भाव का अनुकरण करता था। एक तीर्थ यात्रा में जब उन्होंने एक ग्राम में रुककर एक कृषक से मदिरा ग्रहण कर पी तो उस शिष्य ने भी अत्यंत उत्साह पूर्वक उनका अनुसरण किया। कुछ दूर जाने पर वैद्यज्ञ एक ऐसे स्थान पर रुके जहां लोग पिघलाया जा रहा था। उन्होंने वहां पर उपस्थित एक कर्मी से अनुग्रह कर पिघला हुआ लो अपने हस्त कुंडल में स्वीकार किया और एक लंबा घूंट लेकर पील गए। अब वह शिष्य संकट सकते में आ गया। यह कार्य करने में वह असमर्थ था। इसमें कोई संशय नहीं कि गुरु के आदेश का पालन मन कर्म और वचन मनसा वाचा कर्मणा में से करना आवश्यक है। फिर भी शिष्य अपने आप को किसी भी परिस्थिति में गुरु के स्थान पर आसीन होने की कल्पना ना करे। इससे कहीं अधिक आनंद गुरु को प्रेम पूर्वक याद करने में है। इस प्रकार गुरु शिष्य के संबंधों को अत्यंत बल प्राप्ति होती है। आध्यात्मिक रूप से गुरु के पास हमारे कृत्रिम अहम को नष्ट करने के शस्त्र हैं, किंतु जब तक आप निर्भीक होकर अनावृत होने का तत्पर नहीं है, गुरु की पूरी कृपा पाने में भी असमर्थ ही रहेंगे। आप यह भी मत कहिए कि आप उनका पूर्ण रूप से अनुगमन करते हैं। यह तो निश्चित है कि गुरु के समीप आने पर आपको निरंतर अपनी ऐसी अस्वाभाविकता की अनुभूति होगी या ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न होंगी जिनसे आपके मन और अहम को गहरी चोट पहुंचेगी। यह भी संभव है कि गुरु शरण में आने के पश्चात उनकी कृपा दया और आशीर्वाद के छोटे से छोटे लक्षण भी समाप्त हो जाएं। किंतु ये सब अस्थाई चरण है। गुरु का बड़प्पन तो इसी में है कि वे हमें हमारी तत्कालीन अवस्था में स्वीकार कर लेते हैं, सब अवगुण सहित हमारे सब दोषों को भी प्रेम से स्वीकार कर लेते हैं। अपनी शरण में किसी के भी आने के लिए कोई प्रतिबंध नहीं लगते हैं। स्वरूपेण परिपूर्ण सच्चिदानंद में आसक्त उन्हें न किसी उपहार की आकांक्षा है, न किसी भौतिक वस्तु का की कामना। उनकी दृष्टि सब पर एक समान है। वे कभी कोई पक्षपात या भेदभाव नहीं करते हैं। असीम आकाश की भांति किसी को भी स्पर्श किए बिना वे सब भक्तों को अपना आलिंगन अर्पित करते हैं। वह तो शाश्वत सत्य शिव के साक्षी सर्वज्ञाता हैं। अनंत को निरंतर देखती उनकी निर्भीक स्थिर दृष्टि में प्रत्येक अनुयायी के मन में उत्पन्न हो रहे प्रत्येक भाव को समझने की शक्ति है। गुरु सर्वोच्च है, उनकी समानता करना असंभव है। उनकी भव्यता उनकी महिमा तो स्वर्ग लोक में निवास करने वाले देवी देवताओं से भी उच्च है। सूर्य चंद्रमा समृत नक्षत्र समस्त नक्षत्र और तारे तो उनके आवरण पर पड़ी हुई धूल के कणों की पपड़ी के समान है। पवित्र त्रिमूर्ति असंख्य देवी देवता और ब्रह्मांड की समस्त शक्तियां सब नतमस्तक हो उनका चरण स्पर्श करते हुए उनके प्रत्येक आदेश का पालन करने को सदा तत्पर हैं। गुरु स्वयं परमात्मा है, गुरु शिव है। शिव पुराण में एक उल्लेख आता है जहां ब्रह्मा शिव से निवेदन करते हैं कि सब प्राणियों को नश्वरता के अधीन रखा जाए, परंतु शिव इसे अस्वीकार करते हुए कहते हैं कि जीवन मृत्यु के इस चक्र से प्राणियों को मुक्त रखने के लिए
वे स्वयं अवतरित होंगे। क्या इसी कारण आदरणीय गुरु जी हमारे बीच में आए? कितना आनंद है गुरु जी की चरण धूली में। गुरु करुणा तुम और मुझ पर बनी रहे, उनकी कृपा वर्षा हम ना समझो पर रहे, उनकी ऊर्जा से प्रभारित हो हम उनके चरणों में सदैव बसे। जय गुरु जी, जय जय गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। कृपा करो गुरु जी, सबका भला करो गुरु जी। जय गुरु जी।